हेलो गाइस, आरसीबी वर्सेस टीसी जो कि 12 मई संडे को खेला जाने वाला है, यह है चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में। अब आप लोग को क्या बनाना रहता है? ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन के लिए आप क्या करते हो? कंफ्यूज होते हो। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, आपको SKAPT करके मेरा चैनल है, ये चैनल है, इसको क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर होता क्या, ईजी एक्सप्लेनेशन, 4 से 6 मिनट का वीडियो रहता है और आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के। और मैं दो टीम भी देता हूँ, एक तो GL की रहती है, दूसरी किसकी रहती है? स्मॉल लीग्स की रहती है। अब GL खेलते हो तो GL की टीम डाल दीजिए, स्मॉल लीग्स खेलते हो स्मॉल लीग। 2, 4, 5, 6 टीम नहीं देता हूँ, सिर्फ 2 टीम देता हूँ, आप इजी करके इजी से निकाल सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैच कौन जीतेगा ये मैं बाद में आपको बता देता हूँ, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि RCB का जो इससे पहले मैच हुआ था किससे हुआ था? पंजाब के साथ हुआ था। तो RCB के बैट्समैन ने क्या परफॉर्मेंस की थी जानना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, तो 92 रन विराट कोहली मारे थे भाई, एकदम इनको छोड़ना ही नहीं है किसी भी टीम में, स्मॉल GL किस में भी। जी हाँ, लेकिन फैफ डुप्लेसी आउट हो गए थे। ठीक है, फैफ डुप्लेसी आउट होते, कौन आउट किया हमने इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ बैट्समैन का देख रहे। फैफ आउट हो गए थे, विल जैक्स भी आउट हो चुके थे भाई, बहुत लोग ने इनको कैप्टन डाला लेकिन ये आउट हो गए। आगे बढ़ते हैं भाई, रजत पाटीदार भाई, व्हाट अ फॉर्म, मुंबई के आगे भाई इन्होंने 4 सिक्स मारा। इनके आगे भी भाई कुछ इसी तरीके से खेल रहे थे लेकिन आउट हो गए। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में था भाई, रन मार ही रहे थे दबा के, इसीलिए आउट हो गए। कैमरून ग्रीन, ये ट्रम्प खिलाड़ी है ये नेक्स्ट मैच का, मतलब दिल्ली मैच का, ये क्योंकि 46 मार चुका है, मतलब पंता फॉर्म में आ चुका है। कार्तिक देखिए बहुत लेट आते हैं, मैं दोनों में एक ट्वीट करूँगा शायद से। ठीक है, लेकिन कैमरून ग्रीन पे मैं एकदम श्योर हूँ कि भाई अच्छा खेलेगा। ठीक है ना, लोमरोर को देखिए रख सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं रख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब मैं उससे अच्छे प्लेयर आपको GL में दे दूँगा जिससे आप एटलीस्ट करोड़पति बन जाओगे, ये तो कन्फर्म मतलब है 90%। लेकिन अगर आप नहीं बनते हो तो आपके पैसे भी रिटर्न आ सकते हैं, मतलब 90% आप मान के चलना आप करोड़पति बन जाओगे। और तो ये है कि इससे अच्छी टीम आपको नहीं दे सकता कोई, जो मैं दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, स्किप मत कीजिए वीडियो को, लास्ट तक बने रहिए, कुछ अलग आएगा। हम लोग ने क्या किया देख लिया, आप भी देख सकते हो बैंगलोर के किस बैट्समैन को लेना है, आपको इससे समझ आ चुका होगा आधे ज़्यादा। तो अगर आप क्रिकेट नहीं देखते हो, सिर्फ वीडियो, सिर्फ ड्रीम इलेवन बनाते हो तो ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे भाई दिल्ली के बैट्समैन को भी हमें जानना पड़ेगा ना कि किस तरीके के फॉर्म में है, क्या उनका रन ओपनर्स मार रहे हैं, नीचे से मार रहे हैं, ओपनर्स को लेना है, ओपनर्स को नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, समझ आ रहा है ना। तो देखिए फ्रेशर मैकगॉफ भाई 50 रन मारा, क्या फास्ट खेलता है भाई। अगर ये आपका कैप्टन है और 3 ओवर रुक गया ना तो मैं बोलूँ ये कैप्टन का भी पॉइंट दे देता है भाई। 20 गेंदों में 50 रन कौन मारता है भाई? मारते हैं ठीक है, लेकिन हर बार तुम मार देते हो भाई, 3, 6, 7 चौका, 250 का स्ट्राइक रेट खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो तुम? उनके साथ एक खिलाड़ी आ चुका है पोरेल, पृथ्वी शो को कम्पीट कर रहा है एकदम ईजी से, 2 बार खेला है पृथ्वी शो की जगह पर, 2 बार रन मार के गया भाई। शेयोग का तो मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, इतना चांस देख रहे हो तुम, रन नहीं मार रहे हो, ठीक है रन आउट हो गए थे लेकिन भाई तुम्हारा गेम नीचे का है, तुम खेल तुम मान नहीं रहे हो। ठीक है ना, अक्षर पटेल ऋषभ पंत से पहले आ गया था भाई, तो अक्षर पटेल भी एक ट्रम्प खिलाड़ी हो सकता है, फिन आगे आ जाए, हो सके तो शेहूब की जगह पे आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। 15 रन मार के गया है, अच्छी बैटिंग करता है, विकेट भी लिए ही होगा मेरे को लग रहा है, अभी तो मैं देखूंगा आगे चल के, बॉलर्स का भी हम दिखाएंगे। ठीक है, यही चीज़ देखिए 15 रन ऋषभ पंत उस दिन भाई VC बना के रखे थे बहुत जन ने, मैंने देखा था VC बहुत जन का थे भाई, लेकिन 15 रन पे आउट हो गया, मेरे को भी उस दिन थोड़ा वो लगा, लेकिन स्टप्स अच्छे फॉर्म में भाई, स्टप्स अच्छे फॉर्म में है, ये भाई रन मार रहा है, इसका कोई डर नहीं है भाई, ये तो अलग ही खेलता है, ये भी स्टप्स जैसा खेल, ये मेकअप जैसा खेलने लगा, स्टप्स भी 3 सिक्स ये भी मारा है, 3 सिक्स वो भी मारा है, 4 थोड़े कम मारे लेकिन भाई कुछ नहीं, ऊपर चांस मिलता तो ये भी मार देता 4। ठीक है ना, गुलबदीन नहीं आए थे उस दिन, 19 रन मारे, आज का मैं कुछ बता नहीं सकता इनके बारे में, हम थोड़ा हाइड ही रहेंगे। गुलबदीन नहीं GL में बहुत, जो तो 3 टीम बना रहा है, 1 टीम में रख लेना इनको, ऐसा बोल सकता हूँ। रक्षित सलामुद्दीन बैटिंग आ गई थी लेकिन इनकी बॉलिंग में हम बात करेंगे, बैटिंग से इनका कुछ लेना देना नहीं है, इम्पैक्ट में आए थे। ठीक है ना, ये बात करेंगे भाई, ये बात करना बाकी बनेगा ना। उस दिन जो पंजाब के साथ हुआ था उस मैच में क्या हुआ था, उसमें जो भाई विराट कोहली मैन ऑफ द मैच थे, 3 खिलाड़ी में दिखा दिया कौन कौन चला था, यही 3 बैट्समैन चले थे। बॉलिंग में कौन चला था भाई,
आरसीबी के बॉलर देखने पड़ेंगे ना, बैट्समैन देख चुके थे, ये स्पेशली बॉलर्स लोग के लिए ये है। बॉलर ने मोहम्मद सिराज 3 विकेट ले चुके, मतलब वापसी कर चुका है, ठीक है ना। स्वप्निल सिंह क्या कर रहा है भाई, स्वप्निल सिंह भी 2 विकेट ले ले रहा है, इकोनॉमी भी अच्छी रख रहा है। लॉगी फर्ग्यूसन स्पीड में डालता है, 10th ओवर में आता है भाई, 3 ओवर में 29 रन दिया, 2 विकेट। मैं तो बोलता हूँ अगर ये ऑल आउट नहीं होती, 1 ओवर और ये डालता बॉलर्स लोग को तो 2 विकेट यूँ ले लेता भाई। लॉगी फर्ग्यूसन मतलब इतना अगर इसको ओवर दे रहे हो भाई, विकेट लेके आपको दे रहा है, आपकी टीम को 1 विकेट पे 25 पॉइंट मिलता है भाई, ये 52-55 तो ऐसे देते हैं ना, डॉट भी करता है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, ये डीसी के बॉलर्स ने क्या किया। डीसी के बॉलर में तो एक सबसे ऊपर रहता है, इंडिया में भी दिल्ली के लिए भी, दोनों ब्लू टी शर्ट के लिए खेलता है, दोनों में ऊपर रहता है। नाम मैं किसका ले रहा हूँ, कुलदीप यादव। यादव जी क्या करते हैं, 4 ओवर डालते हैं राजस्थान के आगे, जो कि एक टॉप की टीम है, उसके आगे 25 रन देते हैं और 2 विकेट ले लेते हैं, एकदम 2 विकेट ले लेते हैं भाई। अलग ही बॉलर है, इंडियन टीम के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट है, वर्ल्ड कप वाला बॉलर है ये, समझ आ रहा है। मुकेश कुमार क्या करते हैं, जब से इंडिया से डेब्यू हुआ है तब से इनको सब जानने लगे हैं, डेथ में आते हैं विकेट लेके जाते हैं, डेथ में आता है विकेट लेके जाता है, इसकी तो एंट्री अच्छी है, डेथ में आता है विकेट लेके चला जाता है। खलील का भी कुछ ऐसा नहीं है भाई, खलील तो बड़े बड़े बैट्समैन को आगे आगे आउट कर देता है, उसको अगर संभल के भी खेल देते हो तो लास्ट में विकेट लेगा वो अलग बात है, इन्हें शुरुआत को भी आउट कर देता है। 3 मेन बॉलर इसके हैं, 3 मेन बॉलर जो बड़े बॉलर्स हैं, मतलब कोई हमें ऐसा नहीं दिखा जो ट्रम्प बन जाए, इसमें भी कोई स्वप्निल सिंह ट्रम्प दिखा, इसमें इस पर मेन बॉलर्स ही दिखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, की प्लेयर्स कौन हो सकते हैं, विराट आरसीबी से, मोहम्मद सिराज आरसीबी से, जैक फ्रेशर मैकअप डीसी से, कुलदीप यादव किधर, डीसी से। ये मेरी नहीं है भाई, ये की प्लेयर्स मेरे नहीं है, हर एक फैंटेसी टीम्स के की प्लेयर्स होने वाले आज की ये, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम में रहेंगे, समझ आ रहा है, ये होने वाले, समझ आ रहा है। मोहम्मद सिराज को तुम बोलोगे कि हर एक टीम में थोड़ी रहेगा, मैं बोलता हूँ हर एक टीम में नहीं, लेकिन वो की लिखा है ना उससे वो फ़र्क पड़ता है, समझ आ रहा है, वो की लिखा है ना उससे वो फ़र्क पड़ता है कि ये की है क्या, हर एक टीम में रहेगा लेकिन की है क्या, है सर है, फॉर्म अच्छा है, इंडिया टीम में वर्ल्ड कप में जब से आया अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहा है, बैंगलोर में मैच है ये बात ठीक है, बॉलर्स को नहीं है, लेकिन ये बैंगलोर में भी विकेट ले लेता है, लेता है भाई, 1 ओवर में 2 विकेट भी ले लेता है, ले भी सकता है। आगे बढ़ते भाई, ये टीम किसकी है सर, लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये स्मॉल लीग की टीम है जिसमें विराट कैप्टन है, आपको याद क्या रखना है, वो स्मॉल लीग की टीम है, जिसमें विराट कैप्टन है उसको याद क्या रखना है, वो स्मॉल लीग की टीम है, ठीक है। इसमें देखिए ऋषभ पंत को रखा हूँ, अभिषेक पोरेल को रखा हूँ, ठीक है, 2 विकेट कीपर्स, विराट कोहली कैप्टन, फैफ डुप्लेसी, जैक फ्रेशर मैकअप के बारे में मैं बता चुका हूँ क्या सीन है उसका, फैफ के बारे में मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं, मैंने बोला अगले मैच में कम मारा था, लेकिन स्मॉल लीग भाई रखना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले मैच का मैंने आपको नहीं दिया उसमें बहुत मारा था इसने। टी स्टब्स भाई अच्छे फॉर्म में, मैं आपको बता चुका, ऊपर आएगा तो और रन मारेगा। अक्षर पटेल को नहीं छोड़ना है, एक लौता स्पिनर और ऑलराउंडर है आपका इस टीम से, मतलब लौता स्पिनर नहीं, लौता ऑलराउंडर है दिल्ली का, विल जैक कैमरून ग्रीन, 2 अच्छे ऑलराउंडर्स। कैमरून ग्रीन मैं बता चुका हूँ भाई, बॉलिंग अगर पहली बॉलिंग कर रही है आरसीबी तो 1 विकेट भी ले लेगा, रन भी आगे मार सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है इस समय, दोनों टीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है, इतने इंपॉर्टेंट खेल रही है कि कोई भी आगे जिता सकता है, कोई भी आगे आ सकता है, मेन खिलाड़ी का मुझे पता ही नहीं है, मेन खिलाड़ी तो विराट कितने जिता चुके हैं। कुलदीप यादव को ले लो भाई, कुलदीप यादव को नहीं छोड़ना है भाई, मोहम्मद सिराज को भी नहीं छोड़ना है, इनको ले लो, और आप यश दयाल वगैरह को ट्राई कर रहे हो, मैं बोलता हूँ मत करो, रहने दो, मोहम्मद सिराज पे चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सी टीम है सर, ये है जीएल की टीम, जो आपको उस दिन रात में सो नहीं पाओगे, उसके 10-15 दिन 1 महीना नहीं सो पाओगे अगर करोड़पति बन गए तो, अब आपको करना क्या, यहाँ तक रुके होते भगा के देख लियो तभी भी ठीक है, लेकिन आप रुके हो तो मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ क्यों। अभिषेक पोरेल भाई 2 बार ओपनिंग किया, 2 बार 50 मार चुका है, विराट कोहली रजत पाटीदार टी स्टंप, फैप को नहीं, मैं पुराने मैच की वजह से फैप को नहीं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज ऑफ जीएल टीम है इसलिए मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ, और मेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं स्वप्निल सिंह को भी रख रहा हूँ इसमें, देख रहे हो मतलब अलग अलग खिलाड़ी को रख ले रहा है, जो नहीं चलेगा वो इसमें आगे चल जाए भाई, अगर वो नहीं चला तो ये चला, ऐसा मतलब कुछ अलग करो ना भाई, कुछ अलग करना है कि नहीं तभी जीतोगे। वैसे लास्ट में तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, हो सके तो मैं टेलीग्राम पे दूंगा जरूर, लेकिन अभी क्या करना है,
इसको ही देख लो, अक्षर पटेल वीसी में डाल सकता था लेकिन मैंने नहीं डाला। हो कैमरन ग्रीन उसमें डालो, इसमें नहीं डालो, ठीक। ईशांत शर्मा विराट कोहली का बहुत पुराना है, दोनों एक ही दिल्ली के हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ भी हो सकता है। करण शर्मा भाई विकेट ले लेता है यार, विकेट पा रहा है भाई, रिस्पेक्ट है, कैसी भी बॉलिंग करे रिस्पेक्ट है। ये मुझे उम्मीद है कि ये बैंगलोर की पिच जैसी पिच पे भी ये विकेट पा सकता है, अच्छा बॉलर है। कुलदीप यादव मैंने वीसी देखे रखा हूँ, एक अच्छे बॉलर की वजह से देखे रखा हूँ। यश दयाल ये किसके हैं, आरसीबी के हैं, 5 6 जब खाए थे भाई, मुझे तो याद भी नहीं आता इसका कुछ। वोटा बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर है, क्या पेस है इसके पास, अच्छी खासी स्विंग है, विकेट पा जाता है। डेथ में अच्छा खासा ओवर दे दो ना तो और ज़्यादा विकेट ये पा जाता, पर्पल कैप के लिस्ट में रहता। तो ये है सर मेरी टीम, आप लोग को, आपको मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो। क्यों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन है, आप समझ गए कि दो टीम दिया हूँ, दोनों टीम, ये स्मॉल की है भाई, ये जीएल की है, ये स्मॉल की है, ये जीएल की है, इजी से आप डाल दो जीत जाओगे, कन्फर्म जीत जाओगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये डाल दो जीत जाओगे, ठीक है। तो मैं यहीं अपने वीडियो को समाप्त की हुस्ती करता हूँ, अच्छा लगा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई नेक्स्ट वीडियो सेम सर्च मारना है, SKVD यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पे आके इजीली आप नए वीडियोस देख सकते हो, आप खुद ही सर्च मारोगे, मुझे इतनी उम्मीद है अपने ऊपर, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।